जाने क्या है चंद्रयान 3 मिशन, जिसके कामयाब होने पर अंतरिक्ष रेस आगे निकल जाएगा भारत। 22 जुलाई 2019 जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जिसे चंद्रमा के साउथ पोल में लैंडिंग करनी थी, लेकिन ऐन मौके पर गड़बड़ हो गई और चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग एक सपना बनकर रह गया था। हालांकि 4 साल बाद इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ एक बार फिर धमाकेदार वापसी की है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन क्या है और इसकी सफल लॉन्चिंग को लेकर इसरो के वैज्ञानिक इतने खुश क्यों हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करते हैं। क्या है चंद्रयान 3 मिशन? ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन को बनाए रखने में चंद्रमा की अहम भूमिका है, जो हमारे ग्रह का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। इस चंद्रमा की वजह से धरती पर समुद्री लहरें बनती हैं, जबकि मौसम परिवर्तन और रात के अंधेरे को दूर करने में भी इसकी अहम भूमिका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती से चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा पृथ्वी वासियों की नजरों से दूर है। वैसे तो इंसान साल 1969 में ही चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने में कामयाब हो गया था, लेकिन उस वक्त चांद को लेकर अहम जानकारी नहीं मिल पाई थी। दुनिया भर की विभिन्न स्पेस एजेंसियों ने जब चांद पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि चंद्रमा का एक हिस्सा इंसानी आंखों से छिपा हुआ है और धरती पर रहकर उस हिस्से पर रिसर्च भी नहीं की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के उस हिस्से को लूनर साउथ पोल नाम दिया है, जहां इसरो के चंद्रयान 2 ने पानी की खोज की थी। लेकिन उस हिस्से में कितनी मात्रा में पानी है और वो किस अवस्था में पाया जाता है, इसे लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च पूरी नहीं हो पाई थी। अपने असफल मिशन को सफल बनाने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जिसे LVM-3 M4 नाम के रॉकेट की मदद से पृथ्वी से बाहर भेजा गया था। ये पल हर भारतीय के लिए खास था, क्योंकि चंद्रयान 3 नई उम्मीदों के साथ चांद पर रिसर्च काम को पूरा करने के लिए निकला था। ये अंतरिक्ष यान लगभग 40 दिन का लंबा सफर तय करके चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा, जो सबसे चुनौती भरा काम है। चंद्रमा के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी स्पेस एजेंसी चंद्रमा के इस हिस्से तक पहुंचने या फिर उसे खंगालने में कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन अगर चंद्रयान 3 इस मिशन में सफलता हासिल कर लेता है तो ये पूरे विश्व में भारत को चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बना देगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर उसके लैंडिंग तक के पूरे प्रोसेस पर बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्टेशन से निगरानी रखी जाएगी, जबकि चंद्रयान के रॉकेट से अलग होने की प्रक्रिया को ब्रुनेई और बियाक से भी ट्रैक किया गया था। चंद्रयान 3 में 7 पेलोड हैं, जबकि इसमें रोवर प्रज्ञान भी शामिल हैं। इसमें से 6 पेलोड लैंडर और रोवर के साथ जुड़े हुए हैं, जो चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर रिसर्च वर्क करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ मौजूद एक पेलोड चंद्रमा की कक्षा में रहकर पृथ्वी जैसे किसी दूसरे जीवन योग्य ग्रह की खोज करने में मदद करेगा। अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो उसमें रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर पेलोड चांद की सतह के नजदीक प्लाज्मा के घनत्व और उसमें समय के साथ होने वाले परिवर्तन की जांच करेगा और उसे मापने का काम करेगा। वहीं चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चाश्ते नाम का पेलोड चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह पर तापीय तत्वों का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 का इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी
पेलोड चंद्रमा के क्रस्ट और मेटल की संरचना से जुड़ी तस्वीरें क्लिक करेगा, जबकि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA चंद्रमा की गतिकीय प्रणाली को समझने की कोशिश करेगा। इसका लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप चंद्रमा की सतह पर तत्वों की मात्रा और गुणों की जांच करेगा, जबकि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS साउथ पोल की लैंडिंग साइट के आसपास धूल और मिट्टी के सैंपल की जांच करेगा। वहीं चंद्रयान 3 का सातवां पेलोड यानी स्पेक्ट्रो पॉलीरेमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप चंद्रमा की कक्षा में रहकर पृथ्वी जैसे किसी दूसरे जीवन योग्य ग्रह की तलाश करने का काम करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर रोवर की तैनाती की जाएगी, जो इसकी संरचना और जियोलॉजी को समझने में मददगार साबित होगा और उससे जुड़ा अहम डेटा इकट्ठा करेगा। ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसके जरिए वैज्ञानिकों को ये पता चलेगा कि चंद्रमा का छिपा हुआ हिस्सा यानी साउथ पोल आखिर कैसा है और वहाँ मौजूद पानी किस अवस्था और मात्रा में है। अगर चंद्रयान 3 ये पता लगा लेता है कि चंद्रमा के साउथ पोल में पानी की अत्यधिक मौजूदगी है, तो ये धरती वासियों के लिए खुशी की बात साबित होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर पानी बर्फ के रूप में जमा होगा, क्योंकि इस हिस्से में सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती है और यहाँ का तापमान चंद्रमा के दूसरे भाग के मुकाबले ज्यादा ठंडा होता है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ धरती वासियों का भविष्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी पर बीतते समय के साथ जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। धरती पर जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़, सुनामी और तूफान जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम में अचानक से आने वाले परिवर्तन की वजह से न सिर्फ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि इसका सीधा असर फसलों की पैदावार और इकोसिस्टम पर भी पड़ रहा है। आज से लगभग 100 साल बाद पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से वैज्ञानिक किसी नए ग्रह की तलाश कर रहे हैं। इस लिस्ट में मंगल ग्रह का नाम सबसे ऊपर है, जबकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इंसानी बस्तियां बसाने के लिए चंद्रमा भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, जबकि पृथ्वी और चांद एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। चंद्रमा पर मानव जीवन की शुरुआत करने के लिए पानी की मौजूदगी बहुत अहम रोल अदा करती है, जबकि चंद्रयान 3 इस पानी की मात्रा और उसकी अवस्था को लेकर जरूरी रिसर्च पूरी करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए उसकी सतह पर मौजूद मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्रयान 3 मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा और ये पता लगाएगा कि चंद्रमा की मिट्टी कितनी सेफ है। चंद्रमा की सतह उबड़ खाबड़ और बड़े बड़े गड्ढों से भरी हुई है, जिनके अंदर इंसानी घर बनाने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन ये गड्ढे सच में कितने सुरक्षित हैं और उनका तापमान क्या होता है, इसे लेकर जो अहम जानकारी है वो चंद्रयान 3 से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर से ये मिशन चंद्रमा के साउथ पोल को समझने में सबसे ज्यादा मदद करेगा, जो अब तक इंसानी आंखों से छिपा हुआ है और इस हिस्से तक कोई भी मिशन नहीं पहुंच पाया है। चंद्रयान 3 सिर्फ इसरो के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की स्पेस एजेंसियों के लिए अहम माना जा रहा है। इस मिशन की सफलता के बाद चंद्रमा से जुड़ी कई जरूरी बातें पता चल सकती हैं, जबकि वैज्ञानिक ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा पर भविष्य में इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है या नहीं। इसके अलावा चंद्रयान 3 का शेप पेलोड पृथ्वी जैसे जीवन योग्य दूसरे ग्रह की तलाश में अहम भूमिका निभा सकता है, जिससे आने वाले समय में स्पेस को लेकर इंसान की समझ पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल हो पाएगा या नहीं और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं,
इसे लेकर अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों की ये कोशिश रहेगी कि जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था वैसा कुछ चंद्रयान 3 के साथ ना हो। इसे लेकर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान 2 की विफलता के बाद उन्होंने काफी कुछ सीखा है और चंद्रयान 3 में उन गलतियों को दोहराया नहीं गया है, जिसकी वजह से इस मिशन के सफल होने की उम्मीद काफी ज्यादा है। चंद्रयान 3 के साथ मौजूद पेलोड उन कार्यों को अंजाम देंगे जिन्हें चंद्रमा की सतह पर पहले कभी नहीं किया गया है। ये पेलोड चंद्रमा के वायुमंडल और सतह को समझने में मददगार साबित होंगे, जबकि सतह पर खुदाई भी करेंगे। इसके अलावा जब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान यान से अलग होंगे तो लैंडर इस प्रक्रिया की तस्वीरें भी क्लिक करेगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर कंपन का पता लगेगा, जबकि लेजर बीम के जरिए चट्टान को पिघलाने की कोशिश करेगा ताकि चंद्रमा के अंदर मौजूद गैसों का अध्ययन किया जा सके। ये मिशन कई मायनों में इंसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है, जो न सिर्फ हमारे ज्ञान भंडार को बढ़ाएगा बल्कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने में सहायक भी होगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चंद्रयान 3 किन किन मायनों में खास है और ये चंद्रमा के किस हिस्से को समझने में मददगार साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।